रुक रुक कर बरस रहे बादल उत्तराखंड के लिए आफत बनते जा रहे हैं। जी हां, राज्य में आज भी कई जगह से भारी नुकसान के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। नैनीताल के रामनगर के पास ओखल ढूंगा में बादल फट गया, जिसके बाद उफनते नाले ने कहर बरपा दिया। करीब 50 परिवारों को घर छोड़कर भागना पड़ा। इन सभी परिवारों को अस्पताल में शरण दी गई है। इसके अलावा रामनगर में एक कार बहकर नाले में चली गई, जिससे उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक की मौत हो गई है। तीसरी बड़ी घटना गढ़वाल में हुई है, जहां पुल बहने की सूचना है, जिसमें 2 मजदूर बह गए हैं। बताते चलें, नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में कोटाबाग ब्लॉक की ग्राम पंचायत ओखल ढूंगा में बादल फटने से ग्रामीणों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन घरों में मलबा घुसने से लगभग 50 परिवारों को सरकारी अस्पताल में शरण लेनी पड़ी है। जिला प्रशासन के निर्देश पर आपदा प्रबंध टीम गाँव के लिए रवाना हो चुकी है। समाज सेवी कृपाल बिष्ट ने बताया कि मलबे से ग्रामीणों की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है। तड़के करीब 3:30 बजे मूसलाधार बारिश में गांव के समीप का नाला उफान पर आ गया। ग्रामीणों के अनुसार बादल फटने से भारी मात्रा में मलबे के साथ पानी घरों तक आ गया, जिससे हड़कंप मच गया है। ग्राम प्रधान प्रीति चौरसिया और क्षेत्र पंचायत सदस्य नंदन चौधरी ने बताया कि गाँव की कई एकड़ फसल बह गई है। दूरस्थ ग्राम ओखल ढूंगा में जो नैनीताल तहसील के अंतर्गत आता है, आज भारी जो वहां का स्थानीय नाला डॉन नाला है, उसमें भारी तबाही से लगभग 50 परिवारों को बेघर होना पड़ा है। ग्रामीणों की पूरी जो खेती है पूरी तरह नष्ट हो गई है और लगभग 20 परिवारों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखल ढूंगा में शरण ली है। स्थानीय प्रशासन से और संबंधित विभाग से ग्रामीण द्वारा लगातार उक्त नाले में तटबंध की मांग की गई थी, लेकिन आज तक तटबंध का निर्माण न होने से ग्रामीणों को भारी नुकसान और आपदा की भारी मार झेलनी पड़ी। बता दें, बारिश का कहर इस कदर रहा कि रामनगर में नाले में एक कार बह गई। इस कार में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक प्रकाश फुलारा मौजूद थे। कार से निकाल कर इन्हें घायल अवस्था में सुशीला तिवारी अस्पताल में लाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन फुलारा की मौत हो गई। लोक गायक विशन हरियाल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया, फुलारा दिल्ली से पूजा में शामिल होने के लिए गांव गनोली बावन द्वारा हाट जा रहे थे। इधर गढ़वाल से भी एक बड़ी दुखद खबर सामने आई है। यहां चमोली जिले में अलकनंदा में बना अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद ढह गया, जिसमें 2 श्रमिक नदी के तेज बहाव में बह गए। इसमें से एक को बचा लिया गया, जबकि दूसरे की खोजबीन जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में हुई इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया, साथ ही लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है।